देखे बहुत ही पाकिस्तानी कैप्टन करना आई थिंक बहुत ही फेवरेट होता है और <laughs> मुश्किल भी मुश्किल तो देखे होता ही होता है <laughs> मुश्किल तब हो जाता है जब आप हारना शुरू हो जाते हैं नहीं वो आप दस मैच जीते हार गए तभी ज़ालम आती तो है थोड़े हालात भी चेंज हो गए बदल गए क्या कहते हैं हाँ हालात बदल गए जज्बा बदल गए तो ऐसा ही था लेकिन देखिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट था और तला का जितना भी शिक्र अदा किया जाए क्या मैं क्योंकि अल्लाह तला ने जो है मुझे उस काम के लिए चुना और मैं अपने आपको बहुत खुश नसीब समझता हूँ तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी कप्तानी करी और और अल्लाह का शुक्र है जितना टाइम भी कप्तानी करी बहुत अच्छा टाइम गुजरा ठीक है उतार चढ़ाव तो रहता ही है लाइफ के लाइफ में उसी से इंसान सीखता है लेकिन जितने भी अर्सा कप्तानी करी और बहुत अच्छा कप्तानी करी बहुत मज़ा आया कप्तानी करने में ठीक है पीछे जरूर था लेकिन जितने भी लड़के मेरे साथ खेले सब ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और बिल्कुल भाइयों की तरह आम रहे तो जिसकी वजह से वो जो टाइम मेरा गुजरा तो हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे बने लड़कों से मेरी कोशिश भी यही थी कि ग्राउंड के अंदर जो भी है वो ग्राउंड के अंदर है ग्राउंड के बाहर वो चीज़ नहीं है ऐसा नहीं है कि जो ग्राउंड के अंदर जो मेरा मूड है या जो मेरा एग्रेशन है वो मैं ग्राउंड के बाहर लेके जाऊँ इसमें कोई तो अल्लाह का शुक्र है जितने भी सारे मेरे जितने भी मेरे सारे छोटे भाई थे या जो बड़े हमारे सीनियर प्लेयर थे तो वो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट था वो भी वो भी हमेशा ग्राउंड के बाहर बहुत ज़्यादा रहा ग्राउंड के अंदर भी रहा लेकिन ग्राउंड के बाहर ज़्यादा रहा जिसकी वजह से जो भी हमारा टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा वो बिल्कुल उसमें मैं बताता हूँ मैं जब भी किसी प्लेयर से पूछा वो अभी भी सारे आपको कप्तान कह के इसी वजह से बुलाते हैं अरे वो वो, वो, उन, है। वो आपने जिस तरह उनको बनाया देखिए क्रेडिट था नहीं नहीं देखें ये हमेशा मैं इस इसलिए को बिल्कुल नहीं मानता मैं अपने आप को देखा खुद नसीब इसलिए समझता हूँ कि मेरे साथ ये लड़के खेले बनाने देखा बनाने वाली जात तो खैर अल्लाह ताला की है लेकिन आप देखें उसकी एग्जाम्पल कोट अगर करना चाहूँ मिकी आर्थर से और ग्रांड फ्लावर से जब एक बात होती थी, थी ना तो वो मैं अक्सर पूछता था पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन फ्लावर से तो आपका बड़ा आज भी <laughs> 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 तो था था <laughs> तो लगी रहती है फिर उसके बाद कई शामिल हुए तो उनसे मैंने पूछा कि पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन कौन है अक्सर मेरे नेट पे बात होनी उनसे उन्होंने कहा जी एक तो बाब अभी बाबर आजम अभी आए थे दूसरा उन्होंने कहा समी असलम अब समी असलम अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो ना हुई। जो भी है वही ना समी असलम का जो मसला था वो उसको सही तरीके से एक दफा मेरी बात हो रही थी कोच ने कहा जी अपने फैट लेवल तो कट कर इन पंजाबी उसने दो डबल सेंचुरी की डोमेस्टिक मैच में तो उसको कहा गया कि अपने फैट लेवल पहले कम कर फिर तो आएगा एक बच्चा जो इतनी परफॉर्मस दे रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी डोमेस्टिक में भी जब उसको इस तरह डिग्रेड किया जाएगा तो ओबियसली फिर वो कहीं ना कहीं तो उसको हिट पड़ेगी दूसरा बाबर आजम का उन्होंने कहा बाबर आजम उस टाइम टीम में नहीं था यू वर द कैप्टन आई एम द विटनेस एज वेल इनकी मीटिंग में कई दफ़ा मैं बैठा होता था उन्होंने आपने उनका पूरा साथ दिया है कि बाबर को नंबर तीन देना है प्लेयर को मैं बनाने की जो बात कर रहा हूँ देखिए उस टाइम हफ़ीज़ आपको पता हफीज़ भाई का भी नंबर तीन का स्लॉट था अजहर अली भी कई दफ़ा खेलते थे कई नाम थे डिफरेंट कई दफ़ा उमर अकमल को भी ट्राई किया गया था तो बात यह भी होती थी अहमदाद को भी लाया जा सकता तीन पे बट जब टैलेंट आइडेंटिफाई किया कोच और कैप्टन ने तो आप लोगों ने उस पर स्टेक किया होता क्या है अगर आज उमर अकमल या कई प्लेयर दूसरे वो बात करते तो कई दफ़ा उनको होता है कि यार हमें वो नंबर नहीं दिया गया आपको याद होगा वर्ल्ड कप के वक्त उसने खास साहब को कंप्लेट भी कर दी थी कि मुझे नहीं कराया जाता सिक्सटीन में तो उसके लिए मैंने प्लेयर बनाने की एग्जाम्पल मैंने देनी नहीं थी लेकिन आपने डिनई किया तो मैं आपको याद करा रहा हूँ कि आपने स्टेक किया और आपने प्लेयर को बनाया अगर आज हम लेजेंड देखते हैं बाबर आज़म को लिविंग लेजेंड कहते हैं तो उसके पीछे कोच का भी उतना ही रोल है उतना ही उससे ज़्यादा मेरी नज़र में आपका रोल है कि जिसने उसको टैलेंट को समझते हुए एग्जीक्यूट करवाया देखिए ऑब्वियसली आपने जो बाबर की बात की तो बाबर का जो टाइम ग्रैंड फ्लावर के साथ था क्योंकि जिस लोगों को बैटिंग कोच था तो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ उसका टाइम उसके ग्रैंड फ्लावर टू से पाकिस्तान टीम के साथ रहा फिर उसका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारे साथ वो ग्रैंड फ्लावर हो गए एक हमारा ट्रेनर था ग्रैंड लूडन फिर मिकी ने टीम को जॉइन किया 2016 में जब हमारा इंग्लैंड का टूर था तो वहाँ से उसने जॉइन किया तो ओबियसली ये था कि जब आप एक नई टीम बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास ज़्यादातर जो है ना वो यंग लड़के थे तो बाबर का भी डेब्यू जब मेरा पाकिस्तान से थर्ड डेब्यू तो बाबर का उस वक्त टी में मेरे कप्तानी के अंदर ही डेब्यू था उस वक्त बाबर जो है वो आ रहा था लाइम लाइट में क्योंकि बाबर का डेब्यू हो चुका था टू में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आते तो जब आप नई टीम बना रहे हो तो आप देख रहे होते हैं कि यार लॉन्गर वर्जन में जो है आपको जो है कौन से बंदे ऐसी जाएंगे जो कि आपकी टीम को ले चलेंगे और बाबर का गेम भी ऐसा ही है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि गेम को ले चलता तो हमारी भी यही प्लानिंग थी कि बाबर आजम जो है वो वनडे क्रिकेट में तीन नंबर पर खेले ताकि ये टीम को लेकर चले पचास ओवर खेले और बाकी सारे जो है फिर इसके इर्द गिर्द खेले ऑब्वियसली उस वक्त टीम में शुएब भाई भी थे हफीज भाई भी थे तो एक जो हमारा सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन था उसको लेके चल रहे थे फखर जमान जो है ऊपर आ गए थे चैंपियन ट्रॉफी के बाद से तो बाबर का ये था कि उससे पहले वाली जो सीरीज हमारी हुई थी वेस्ट इंडीज़ की उसी सीरीज़ में ही वो नंबर तीन आ गए थे तो वहाँ से फिर उनको तीन लेके चले तो फिर माशा जिस तरीके से उन्होंने ग्रो अप किया एज अ प्लेयर आई थिंक वो उनकी अपनी एफर्ट है उनकी अपनी अपनी मेहनत है और हमने वो टाइम देखा है जब बाबर आजम को बाबर आजम बनते हुए देखा है हम अपने को इसलिए खुश नहीं समझते कि लोग देखते हैं कि आज माशाल्लाह उसकी कवर ड्राइव की तारीफ़ करते हैं उसकी हर शॉट की तारीफ़ करते हैं तो हमने हम अपना को इसलिए खुश नहीं समझते हैं कि बाबर आजम जब बाबर आजम बन रहा था तो उसके उस वाले टाइम में हम उसके ये साथ थे आर... के उसकी मेकिंग में आप लोगों को नहीं नहीं मेकिंग में याद देखिए बंदे की अपनी एफर्ट भी होती है उसकी अपनी एफर्ट थी और जिस तरीके से उसने अपने आप को ग्रो अप किया और उसकी जो सही जो जो जहाँ से बाबर आजम जो हुआ है ऊपर चढ़ना शुरू हुआ वो हुआ साउथ अफ्रीका टूर जो हमने दो हज़ार उन्नीस में जब वो टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट तो वो खेल खेल ही रहता है लेकिन असल जो परफॉर्मेंस जो बंदा इंप्रूव करता है जब वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना शुरू करता तो है ना टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट टॉप जगह पे तो वहाँ से बंदे के अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बहुत मुश्किल पिचिस थी वहाँ पर लेकिन जिस तरीके से वहाँ उसने बैटिंग करी अगेंस्ट जेल स्टेन रबाडा फ्लैंडर ओलिवर के अगेंस्ट तो वहाँ से जो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो अप हुआ है तो माशा आज पाकिस्तान का कैप्टन है और पाकिस्तान को नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा थोड़ी सी अब आ, आगे चले तो वो हम बात चैम्पियन ट्रॉफी का जिक्र ना करें आपका इंटरव्यू हो तो वो इंटरव्यू दूरा रहता है आ, उससे पहले बात करें तो हमारी क्वालिफिकेशन बड़ी मुश्किल थी बड़ी मुश्किल से हमने श्रीलंका वगैरह को हरा के आठवें नंबर पर आए और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पार्टिसिपेशन से पहले तमाम कैप्टन के ना छोटे छोटे इंटरव्यूज हुए तो आपने कहा जी वी आर हेयर फॉर टू विन द चैम्पियन ट्रॉफी नॉट फॉर द पार्टिसिपेशन तो इधर काफ़ी हेडलाइन लगी पाकिस्तान में कि ये अभी कैप्टन बना ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये तो क्वालिफिकेशन आपकी हो नहीं रही और ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम जीतने के लिए आए हैं तो क्या उस शुरू में था कुछ ऐसा जज्बा कुछ थी सोच के यार जीत जाएंगे और खास तौर तो पे जो पहले मैच में मार इस तरह की पड़ गई इंडिया <laughs> से <laughs> क्या लगता था <laughs> जो, जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हमारी क्वालिफिकेशन थी टू थाउजेंड फिफ्टीन में आपने बताया श्रीलंका को हरा के पहुंचे और उस वक्त अजय अली कैप्टन थे तो वो थी विक्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी अज़यली कैप्टनशी में हमने जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफ़ाई किया वरना हम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते ठीक है और फिर जब मैं कैप्टन बना जो हमारी पहली सीरीज़ थी टू थाउजेंड में वो मेरी पहली सीरीज़ थी वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए टू थाउजेंड नाइनटीन की टू थाउजेंड नाइनटीन की वरना वो दो हज़ार उन्नीस वाली जो पी एस एल थी वो फिर हम थोड़ी लेट इस वजह से होती कि फिर पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ती पड़ती है जंबावे में जो कि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो ये जो वर्ल्ड कप था तो ऑब्वियसली हम नाइन और एट के थे जब हम जीते वेस्ट इंडीज से तो हम हाँ, एट पे आ गए पे आ तो उसमें तो सीधा एक गोल था कि भाई बात देखिए आपको प्रेशर लेने की जरूरत क्या जब आप हैं ही आठवें नंबर की टीम तो आपने फिर बात भी ऐसी करनी है भाई। हमारे पास नथिंग टू तो लूज है ना भाई हम करने क्या हैं यहाँ पे ऐसे ही है तो बात देखिए अगर आप ये सोच के जाएंगे कोई अच्छी सोच थी उस वक्त कोच ने भी बोला कि भाई हम जब भी बात करेंगे हम यही बात करेंगे भाई हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए ताकि हमारी टीम का इम्पैक्ट पड़े और जब बात करने आए तो लोगों को पता चले कि हाँ यार ये कॉन्फिडेंस के साथ आए इस टूर्नामेंट में तो भाई यही था कि यार नथिंग टू लूज वी आर हे कमिंग फॉर फॉर विन द चैम्पियन ट्रॉफी तो वो एक बात थी एक थाट थी कोई भी टीम आती है तो टाइटल जीतने के लिए आती है कोई भी टीम आती है वो कोई भी टाइटल हारने के लिए नहीं आती तो हमारा भी यही था कि बस आएँ और कुछ करने के लिए आएँ ऑब्वियसली पहला मैच जिस तरीके से हारे तो वो क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं वाली जो इंडिया का मैच था एज अ कैप्टन तो बहुत सारे मैच आ, मतलब पहली सीरीज थी सी खेली लेकिन एज अ प्लेयर दो तीन मैच खेले थे मैंने इंडिया के अगेंस्ट लेकिन एज अ कैप्टन पहला मैच था तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पहले मैच में और आखिरी मैच में क्या फ़र्क था तो वो प्रेशर का फ़र्क था अच्छा हाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा था आइडिया नहीं था फिर जिस तरीके से मीडिया कॉन्फ्रेंस आपको पता होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऐसा लगता है कि आप एक सेमिनार में आए हुए हैं ऐसे ही तो बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं वहाँ पे तो वो जो एक अ टीम जो है ना हम वाला मैच बहुत अंडर प्रेशर खेले अगर आप हमारी टीम की भी भी देखें फील्डिंग भी ख़राब बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं थी बैटिंग भी अच्छी नहीं हुई तो वो सारी चीज़ें कुछ अच्छा हुआ ही नहीं उस मैच में <laughs> तो जिस तरीके से बहुत मार पड़ी फिर जिस तरीके से हमेशा सब जिक्र करते हैं कि हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई मीटिंग हुई और इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स हमारी मैनेजमेंट कैप्टन जो भी थे उन्होंने मतलब ये होता ना कि फ़ेस टू फेस रियलिटी टॉक करी कि यार क्या हम इस क्रिकेट से आगे क्रिकेट खेल सकते हैं या चैंपियंस ट्रॉफी में या उसके आगे अलावा क्या गलतियां आपने बताया हाँ, क्या गलतियां तो उसमें फिर उसके बाद बहुत अच्छी बात हुई और वो एक हम वो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेके उठे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो टीम का हाथ पकड़ा बिल्कुल ऐसे ही